हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपन जो अभी कल नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, नीट 2022, नीट 2022 का, उसका आज मैं आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है 51 से लेकर के 100 तक, उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। मतलब डाई बोरेन के बारे में बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। फोर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो फोर स्टेटमेंट आप जब तक पढ़ो, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ किसकी, डाई बोरेन की। तो देखो, डाई बोरेन की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बोरोन और ये बोरोन, और यहां पर एक हाइड्रोजन होता है जो दोनों साइड से अटैच्ड होता है। ऐसे ही यहां पर एक हाइड्रोजन जो होता है, ये बनाना बॉन्ड बनाता है ये, बेसिकली ये हाइड्रोजन, मतलब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से मैं बोल दूं। और ये टर्मिनल हाइड्रोजन से, तो इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले जो चार हाइड्रोजन है टर्मिनल, ये तो होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले, और ये जो है ब्रिज वाले हाइड्रोजन, ये होते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले। और जो आपका ये बोरोन है, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा होता है? sp3। दोनों बोरोन sp3 होते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट पढ़ के सोल्व कर लेते हैं इसको। पूछा क्या है वो ध्यान रखना बेटा, नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर किस तरीके से आंसर देना है। द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड टू बोरोन एटम लाई इन वन प्लेन। तो बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि एक, ये दो, ये तीन और ये चार बोरोन, सॉरी चार हाइड्रोजन, ये बोरोन और ये बोरोन एक ही प्लेन में है। ये वाला जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अबोव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बोथ द बोरोन एटम आर एसपी टू हाइब्रिडाइज। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि बोथ बोरोन है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज नहीं है बेटा। क्या है वो? sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब आगे पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ लीजिएगा, इसका अपना आंसर कौन सा चला जाएगा। आंसर नंबर इज सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर तो 51 था 52 वो था। नंबर की क्वेश्चंस की। 52 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सुनो। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, असल से रीजन वाला है। कह रहा है कि आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई2। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि आईसीएल है वो मोर रिएक्टिव होता है बाकी के हेलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि रीजन में आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आईआई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है ये भी, ये बिल्कुल ठीक है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? मतलब ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन स्टेटमेंट है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना, मैं ये कहूंगा कि इसका स्टेटमेंट वन भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी ठीक, मतलब रीजन टू भी ठीक है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड वाला हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, उसके अंदर एक गिवन है सारा का सारा, आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि वन मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहां पे लिखूं कि जो मोलेलिटी होती है वो क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं ये ग्राम लिख रहा हूं तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है मोलेलिटी कितना, वन मोलल, तो वन लिख दिया। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.5 × 100, सॉरी 1000। और पूछा क्या आपको, मतलब जो नीचे दिया हुआ है कि कहाँ होगा, तो मास ऑफ, ये मास ऑफ क्या हो गया आपका, मास ऑफ सोल्वेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मतलब मास ऑफ सोल्वेंट का जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा अपना, ऐसे जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 500 ग्राम। समझ में आ गई बात? तो देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मास ऑफ, क्योंकि अपन किसकी बात करते हैं, मास ऑफ सोलवेंट की ही बात करते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तक की बात तो अब देखो अपन आगे तो क्या कह रहे हैं।
गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, मतलब दो सेल रिएक्शन दे रखी है, मतलब दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, KMnO4 की दे रखी है, एक हाफ O2 से S2 की दे रखी है। बोला कि विल द परमैंगनेट आयन MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। मतलब इसका अपना कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर ई नोट सेल अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी, अपनी स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे मैंने देखो आपको थोड़ा सा पहले ही एक रिएक्शन बना रखी है कि ये कह रहा है कि आपको O2 लिबरेट कराना है H2O से, तो वैसे ही बना लिया है कि H2O से क्या लिबरेट करा रहे हैं, O2 को लिबरेट करा रहे हैं अपने यहाँ पे। जो रिएक्शन लिखी है ना उसको उल्टा लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब यहाँ जो ई नोट लिखा है O2 से H2O, तो मैंने उल्टा लिखा है H2O से O2, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। और MnO4 माइनस से अपन ने बात करी है, Mn+2 की बात करी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वाली रिएक्शन है H2O से O2 वाली, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो नीचे वाली जो रिएक्शन हो रही है यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो एक हाफ सेल बन जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। और ये मैंने जो ई नोट की वैल्यू लिखी है ये उसी के अकॉर्डिंग लिखी है, ये वाली ऑक्सीडेशन के लिए लिखी है और ये वाली किसके लिए लिखी है, मैंने रिडक्शन के लिए लिखी है, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना होता है, तो जब दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ जो ई नोट सेल निकल के आएगा पूरी रिएक्शन का वो कितना आ जाएगा, +1.510 वोल्ट माइनस से माइनस क्या मतलब प्लस एड ही करना है, तो ये मैं लिख दूंगा माइनस से 1.223 वोल्ट। और जब इसको ऐड करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये 1.510 से -1.223 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.287 वोल्ट, वो भी प्लस की, ये ध्यान रखना। अगर ये प्लस में आ रहा है तो मतलब अपनी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। मैं पहले बता चुका हूँ कि ई सेल पॉजिटिव, अगर ई सेल पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो यहाँ ई सेल अपना आ रहा है 0.287, मतलब ऐसा होगा कि MnO4 है वो वाटर से क्या करेगा, O2 को लिबरेट करेगा। इसमें एक ऑप्शन दे रखा देखो ये वाला कि यस हाँ बिल्कुल करेगा, कि ई नोट सेल कितना आ रहा है +0.287 वोल्ट, मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं आगे की। देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है इन एन एटम ऑल द 5 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। बिल्कुल फ्री स्टेट में इक्वल एनर्जी के होते हैं, ये बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देखो मैंने यहाँ ऑर्बिटल्स की फोटो बना रखी है, ये वाली है डी एक्स वाई की, ये वाली डी एक्स वाई की है, ये वाली, ये डी एक्स जेड, या इसको अपन बोल सकते हैं डी एच मतलब जेड एक्स, ये डी वाई जेड, इन तीनों की फोटो सिमिलर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डबल डम्बल शेप है, दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की भी सिमिलर है, नहीं ये गलत बात है, क्योंकि देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की डबल डम्बल है, लेकिन ये कैसी है, डी जेड स्क्वायर की, ये डबल डम्बल नहीं है, समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के बेबी सूत्र टाइप की होती है, कुल मिला के ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकंड इज द आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको पढ़ लेना कि समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन अपना जो था इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और ये आराम से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है अदर डी ऑर्बिटल से, किसी से डी एक्स वाई की इनकी चारों की सेम होती है स्ट्रक्चर का, मतलब डबल डम्बेल होती है। हाँ ठीक है, लोब्स की डायरेक्शन वो अलग बात है, डबल डम्बेल होती है, इसकी कैसी होती है आपकी, डबल डम्बेल नहीं होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के, क्या कह रहा है देखो सुनो, कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 ml HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कैलकुलेट अप टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, इस रिएक्शन को लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, +2 HCl एक्वस है, इससे बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड +CO2 + H2 लिक्विड, और ये गैसेस, हालांकि ये कोई काम में नहीं आएगा अपने को सारा इधर वाला, ये वाला काम में आएगा। अब सुनो भाई,
यहां से सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टोकियोमेट्री कि अगर इसका 1 मोल काम आता है तो HCl के कितने मोल काम आएंगे, 2 मोल काम आएंगे। समझ में आ रही है बात सारी की सारी? तो मैं यहां से ऐसे बोल दूं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द हाफ मोल ऑफ HCl। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अगर कैल्शियम कार्बोनेट मोल उतने होंगे जितने आधे मोल HCl के होंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा देखो HCl के मोल कितने हैं वो अपने को कुछ बातें दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या कि हाफ इंटू, अच्छा मोल को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मोल को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मोल को, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो हाफ इंटू 0.5, ये तो होगी मोलरिटी, और वॉल्यूम कितना है आपका 50 अपॉन 1000, ये मुझे लिखना ही पड़ेगा सारा सारा। तो यहाँ इसको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 आएगा, और फिर इसका भी हाफ आएगा, तो ये आ जाएगा 0.0125, ये मोल आ गए। मतलब है, अगर आपसे बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल इतने चाहिए। समझ में आ गई बात सारी सारी? अच्छा आपसे बोले कि कितना मास चाहिएगा, तो मास ऑफ या वेट बोल दूं चाहे मैं, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा वाला प्योर फॉर्म में चाहिएगा वो वाली बात कर रहे हैं, वो कितना चाहिएगा 0.0125 इंटू, और इसका मोलर मास कितना होता है 100। तो मैं ये कहूंगा कि 1.25 ग्राम मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। लेकिन सुनो भाई प्योर फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि 95% ही प्योर है। इसका मतलब आपको इससे ज्यादा चाहिएगा जिसमें 1.25% क्या मिले, प्योर मिले। तो यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, जो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल या इम्प्योर सब्सटेंस जो भी है, इम्प्योर सैंपल इंटू 100। तो यहां से अपन परसेंटेज प्योरिटी आपको दे रखी है, 95% दे रखी है, तो 95 वेट ऑफ प्योर सिंपल कितना है 1.25 ग्राम है, अपॉन ये आपको एक्स निकालना है इंटू 100। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू निकले के आएगी वो निकल के आ रही है 1.32 ग्राम। मतलब अपना जो यहाँ का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1.32 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि 95% इन्होंने क्या बोला है, इम्प्योर बोला है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईजी सा था। अब आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि आर एमजेक्स की रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो वाई बन रहा है, फिर H3O+ डाल रहे हैं तो RCOH बन रहा है। तो कह रहा है कि वाई क्या होगा, तो देखो इसमें सिंपल सी बात है कि जो आपका आर एमजेक्स होता है और ये आपका है CO2। तो देखो आर एमजेक्स में ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी आर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये है पॉजिटिव, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है। तो आर नेगेटिव यहाँ टेक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से बनेगा आपका RC OOMeX, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका वाई बनेगा यहाँ पे। तो जो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखो अपने को बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ऑप्शन है RCOOMeX, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, सिंपल सा था। अच्छा इसमें देखो सुनो 58 क्या बोलना चाह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिथियम है, सोडियम है, और कुछ कंपाउंड भी दे रखे हैं जैसे आयनिक कंपाउंड है, KOH और CGM है। ये बहुत ईजी सा था, एस ब्लॉक एलिमेंट में यूजेज में दे रखा है सारा का सारा, ये कि लिथियम बेसिकली काम आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब लिथियम की अपन किसे जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जोड़ेंगे। जो सोडियम है वो होता है आपका कूलेंट इन फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स में, सीजियम जो काम में आता है, मतलब सीजियम बेसिकली यहाँ पे है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, और एक आपका बच्चा है KOH, जो KOH का यूज कहाँ है, मतलब कहाँ क्या काम करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्बेंट, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो ए का आंसर आएगा अपना सेकेंड, तो देखो एक ही ऑप्शन है इसके अंदर सेकेंड वाला, और डी का आंसर क्या आएगा, फोर आएगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 क्या कह रहा है कि ड्रग दे रखी है और इधर क्या दे रखा है, ड्रग मॉलिक्यूल दे रखे हैं।
तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो एंटासिड होता है वो होता है सिमेटिडिन। मतलब मैं ये कहूंगा कि जो अपना एंटासिड है वो किससे जाके मिलेगा, थर्ड वाले से। तो एक आंसर होएगा थर्ड, इसका मतलब देखो ना तो फर्स्ट आंसर होएगा ना सेकेंड आंसर होएगा। अब इसमें देखो आपको अब क्वेश्चन ऐसे करना होता है, डी में फर्स्ट दे रखा है तो डी ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो गया, ऐसे भी मैच कर सकते हो भाई, समझ में आ रही बात। अच्छा देखो एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या होता है, मोरफिन होता है ना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। मतलब सी में सेकंड आएगा, तो सी में सेकंड आएगा तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और ठीक है बाकी का अपन मिला सकते हैं, बाकी आप जानते भी हो कि एंटीस्टामिन क्या होता है, सेल्डेन एंटीस्टामिन होता है, अपन मिला सकते हैं कि बी का फोर आएगा। ठीक है तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे चलते हैं। अरे भाई क्या हो? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पहले तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, कि ये दो बातें बताता है। एक तो ये कहता है कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है पी टोटल, तो पार्शियल प्रेशर किसी वन का प्लस पार्शियल प्रेशर किसी टू का, पार्शियल मतलब जो भी गैस है उनके सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, टोटल कर दो। एक तो बोले ये बात होती है। अच्छा इसको पी, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो मैं इस पर्टिकुलर पी को क्या लिख दूं, एन, समझ रहे मेरी बात, जो बोल रहा हूं मैं एन आर टी अपॉन बी, समझ में आ रही बात। तो मैं यहां इसका प्रेशर क्या होगा, एन वन आर टी अपॉन बी। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एन वन आर टी अपॉन बी प्लस एन टू आर टी अपॉन बी प्लस एन थ्री आर टी अपॉन बी, ये भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि अगर किसी का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो, मान लो किसी का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, किसी आई का निकालना हो, तो होता क्या है कि उसका मोल फ्रैक्शन किसमें, गैसियस में क्या है, और पी क्या, टोटल, ये डाल्टन लॉ बताता है। और इसमें देखो अब ऑप्शन चेक करो, ये लिखा है पी आई एक्स आई पी, ये पी याद रखना क्या है, यहां पे देखो लिखा हुआ ये पी, पी यहां पर है टोटल प्रेशर, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन देखो पी आई है एक्स आई पी आई नोट, और देखो पी आई नोट है प्रेशर ऑफ आई इन प्योर स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके राउल्ट्स लॉ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, राउल्ट्स लॉ को। तो इसने पूछा है कि विच इज नॉट करेक्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। समझ में आ गई बात भाई, इसमें आंसर फर्स्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट का मतलब मैंने तो डाल्टन लॉ के लिए बताया है, मतलब आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा अपना, आंसर इज सेकेंड। ठीक है अच्छा ये वाला देखो, पी इज इक्वल टू द पी वन पी टू पी थ्री, तो बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। और इसके अलावा देखो पी इज इक्वल टू द एन वन आर टी वन एन टू आर टी टू, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ रही है सारी सारी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका मेन आंसर जो अपना कि नॉट करेक्ट, तो ये मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, किसके लिए है, राउल्ट्स लॉ के लिए है, डाल्टन लॉ के लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। सो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। देखो यहां पर भी नॉट करेक्ट पूछा है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सीधा सीधा पॉलीमर का मतलब मैं बोलूँ कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसे पढ़ भी सकते हो इसको, कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूजेबल नहीं होते हैं, समझ में आ रही बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, तो रीयूजेबल नहीं होते हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, क्या है सुनो भाई, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मोलिकुलर एसोसिएशन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा मैं आपको इधर बता दूं कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस है मतलब सिमिलर मोलिकुलर मासेस है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसमें वंडरवाल, तो वंडरवाल अट्रैक्शन वीक होते हैं, डाइपोल थोड़े से वंडरवाल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वंडरवाल डाइपोल डाइपोल से और अच्छे से माने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अपने को थोड़ा सा पता होता सारा। तो ये पहली बात तो ठीक है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है रीजन क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर लोअर, बिल्कुल लोअर होती है, लोअर देन द एल्कोहल्स, ये मैंने पहले पढ़ लिया था ना, ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होती है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर जो आंसर आएगा मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट अगर ठीक है तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा, देखो यार बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये भी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। ये तो इससे भी इजी है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। तो देखो 119 को बोलते हैं अन अन अनियम। तो जो भी आपको दिख रहा है अन अन अनियम, मतलब ई का मतलब 9 को रिप्रेजेंट करता है और इनियम बोलते हैं इसको ना, और ये अन अन बोलते हैं, तो 119 हो गया ये। तो ये कहाँ नजर आ रहा है आपको? देखो ये अन अन है लेकिन अनियम है, ये अन अन है ओक्टियम है, ये अन अन इनियम है, ये अन नील है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। देखो 64 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 8298 केल्विन, क्या बोल रहा है कि 8298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं इसके। तो यहां से मैं थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वो एसआरपी वाली टेबल बनाने के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखो सीयू प्लस टू से सीयू की बात करें तो उसका एसआरपी कितना है पॉइंट ये वाला, जिंक वाले का कितना है ये वाला, एफ प्लस टू से ये वाला ये, और ये वाला है आपका एसी वाला। तो सबसे पहले माइनस के हिसाब से चलेंगे अपन। तो अगर आपको एसआरपी के ऑर्डर की बात करें अपन, समझ में आ रही बात, मतलब मैं ये लिख दूं कि यहाँ पे कि मेरा जो जिंक प्लस टू से जिंक है इसका है माइनस 0.76, फिर मैं लिख रहा हूं एफ प्लस टू से एफ ये है माइनस 0.44, फिर है आपका सी यू प्लस टू से सी यू ये है प्लस का 0.34, और फिर है आपका ए जी प्लस से ए जी ये है 0.80। अब थोड़ी सी मैं आपको देखो एक चीज बताता हूं जो आपको समझनी है कि ऊपर वाला हमेशा जो भी है ऊपर वाला वो हमेशा एनोड का काम करेगा, नीचे वाला समझ लो इसको वापस, ऊपर वाला एनोड का काम करेगा, नीचे वाला कैथोड का काम करेगा, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो जब यहां से ई नोड सेल निकालेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो वो रिएक्शन नहीं होगी कि जहां पर नीचे वाला काम कर रहा है आपका एनोड का, ऊपर वाला काम कर रहा है कैथोड का। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में जाइएगा, मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया है। तो अगर मैं ये कहूं कि जिंक की रिएक्शन, देखो समझना वापिस, कि अगर ये वाला एनोड है ये वाला कैथोड है, अगर ये एनोड है मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर आप ये देखो कि सी यू, सेकेंड ऑप्शन को आ जाओ सीधा सीधा आप, समझ में आ रही बात, कि यहां सी यू प्लस टू चेंज हो रहा है सी यू में, तो इसका तो क्या हो गया रिडक्शन, और एजी का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन, तो ये उल्टा काम हो रहा है। देखो यहां पे, क्योंकि यहां जो इनोड सेल निकल के आएगा, देखो आप समझो इस बात को कि जब इसका मैं इनोड सेल निकालूंगा इस सेकंड वाले का, तो मैं लिखूंगा यहां पे कि सी यू प्लस टू प्लस एजी, मतलब इस तरीके से लिख लेते हैं इसको एक बार, और ये है सी यू प्लस एजी प्लस, बैलेंसिंग नहीं कर रहे। तो देखो सी यू से सी यू प्लस टू से सी यू में जा रहा है तो ये हो गया। तो इसका जो ई नोड सेल अपन निकालेंगे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 0.34, ये तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो ए जी से ए जी प्लस में जा रहे हैं लेकिन यहाँ ए जी प्लस ए जी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस 0.80, तो वैल्यू किसमें आ रही? नेगेटिव में। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि कैन नॉट अकर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा था, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं था। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, द जेल्डोल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, यहां से आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते जैसे एनिलीन से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, एनसीईआरटी में बिल्कुल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ बहुत अच्छे से दो तीन लाइन का, उसमें यह लिखा हुआ कि एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है, उसका अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो इसमें बोला कि किसका, किससे कर सकते हैं, तो एनिलीन से हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द गिवन ग्राफ, क्या बोला है देखो, द गिवन ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। वाई और एक्स में कोई ग्राफ बना रखा है इन्होंने, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि y एंड x फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो किस किस का हो सकता है? तो देखो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी वाली है? जीरो ऑर्डर,
तो आपको पता है ये क्या होता है, आर इज इक्वल टू द के ए की पावर 0। तो मतलब आर इज इक्वल टू द के कॉन्स्टेंट, मतलब के, और वो तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो आर की वैल्यू डिपेंड किस पे करती, मतलब आर इज इक्वल टू द के, समझ में आ रही है बात, और के क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, देखो इन्होंने बोला भी है बहुत ही अच्छे से बोला है, कौन सा वाला, कि वाई को तो रेट मान लो और एक्स को कंसंट्रेशन मान लो, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं ये कहूं कि वाई तो रेट है मेरी और एक्स मेरी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन में तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, तो ग्राफ बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात, ग्राफ ऐसे आएगा। ये किसकी, जीरो ऑर्डर के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात करूं, तो आपको पता है कि जो टी हाफ होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 अपॉन के। तो अगर बताओ मैं, अगर यहां टी हाफ का ग्राफ, मतलब ये आपका हो गया वाई, वाई तो मैं ले रहा हूं यहां पे टी हाफ, और ये एक्स ले रहा हूं मैं कंसंट्रेशन, तो बताओ कंसंट्रेशन का कहीं टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट और कंसंट्रेशन वाला, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और एक्स वाला, ये अपना ग्राफ होगा, तो आंसर क्या, मतलब ये वाला इस ग्राफ को सुटेबल मैच कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, ये क्या कह रहा है भाई साहब, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई साहब इसमें चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में क्या, पेपर में आपसे इनकरेक्टली पूछे ज्यादातर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात भी ठीक है, और एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, तो पता होना चाहिए। जैसे मान लो सोडियम की रिएक्शन आप H2 से कराते हैं, तो आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इतना तो अपने को पता ही है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2, तो पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी आपके फर्स्ट वाले हैं उनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। जैसे मान लो पोटेशियम का तो K+, बाकी सबका क्या होता है, +1। ये पोटेशियम का +4 बता रहे हैं, ये तो गलत हो गया, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, अब चलते हैं बना आगे। बात 68 कह रहा है कि इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पॉइंट डिफेक्ट जो भी आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो उसकी एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है बात। फिर कह रहा है कि इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, तो देखो ये जो एग्जांपल है वो है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, किसका है मैं लिख देता हूं, ये है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, उसका एग्जांपल है ये। अब दूसरा रीजन, इसका रीजन के लिए बोला है कि इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट, पहली बात तो बात ही चेंज हो गई, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आएगी। अराइजेज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटाइन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल डिसलोकेशन, कैटाइन का डिसलोकेशन हो जाता है फ्रॉम इट्स लेटिस साइट टू इंटरस्टीशियल साइट, और ओवरऑल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ये स्टेटमेंट, मतलब रीजन भी इसका ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, कहने का मतलब कि दोनों रीजन भी करेक्ट है और एसेशन है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर आप ये बोलोगे कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा इसका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सही था, ज्यादा हार्ड नहीं था ये भी। अब चलते हैं आगे, अब ये कह रहा है 69 आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपको बताया कि फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइन की तरह बिहेव करता है, ये वाला एनायन की तरह, तो जब भी एनायन की तरह बिहेव करेगा तो एजी में क्या लग जाएगा, आगे एट लग जाएगा, तो अर्जेंटेट बोलेंगे, और इसकी ऑक्सीजन नंबर निकल के कितनी आएगी कि +1 आएगी ओवरऑल, समझ में आ रही है बात। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा इसका कि डाई एक्वा सिल्वर, क्या हो जाएगा भाई साहब, डाई एक्वा सिल्वर और डाई साइनो या साइनोडो भी बोल सकते हैं अर्जेंटेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई साहब, क्योंकि सेकंड देखो ऑक्सीजन नंबर सेकंड दे रखा, तो ऑक्सीजन नंबर ओवरऑल क्या आएगी, फर्स्ट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक तो बोला है कि डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज और ग्रेफाइट इज sp2, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है कि डायमंड sp3 होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड ड्राई लुब्रिकेंट, तो बात तो गलत है, केवल ग्रेफाइट ही होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क, ये बात तो बिल्कुल गलत है,
डायमंड इज कोवेलेंट और ग्रेफाइट इज आयनिक। नहीं, ग्रेफाइट भी कोवेलेंट ही होता है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे। अच्छा ये देखो क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री का है कि इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सेल नेगेटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ थ्री गिवन। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी आपकी फ्लोकुलेटिंग पावर होती है वो बेसिकली जो डिपेंड करती है वो करती है जो चार्ज ऑन आयन, जिसके ऊपर चार्ज ऑन आयन पे। तो जितना ज्यादा आयन पे चार्ज होगा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही बात है, आपको पता है नेगेटिव सोल के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही बात है। और पॉजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो देखो इस नेगेटिव के अंदर आपको देखना है कि सी एल माइनस, एसओ फोर टू माइनस और पीओ फोर थ्री माइनस, तो ये वाला ऑर्डर होना चाहिए जो इसमें गलत है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना ठीक है, तो फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल यही बोला है, अपना आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। देखो 72 में क्या बोला है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सोल्ट। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ कि RNH2 की रिएक्शन जब आप किससे कराएंगे, अपन HNO2 से, तो यहाँ बिल्कुल अनस्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, RN2Cl, ये अनस्टेबल होता है। और ये क्या बना लेता है, यहाँ से कार्बोकेटाइन बना लेता है और आपकी N2 गैस निकल जाती है। और फिर फाइनली इसके अंदर जो वाटर होता है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। ये बात तो ठीक है कि प्राइमरी एमिनो वाली कहानी तो ठीक है। कह रहा कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन्स रिएक्ट विद एचनो टू फॉर्म डाइजोनियम सोल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। ये बात देखो क्या क्या कहना चाह रहा है कि ये है आपका प्राइमरी एलिफेटिक एमिन, या सॉरी एरोमेटिक एमिन, प्राइमरी एरोमेटिक बोला है ना, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आप एचनो टू से कराते हो तो डाइजोनियम सोल्ट तो बनता है, क्या बन जाता है, ये आपका डाइजोनियम सोल्ट तो बन गया मान लो, ये N2 वाला, N2 प्लस वाला। लेकिन सुनो ये जो स्टेबल है वो कहां तक होता है, आपका 0 to 5 डिग्री, मतलब 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 to 5 डिग्री ना, तो केल्विन तक, 273 से 278 केल्विन, जबकि इन्होंने बोला अबव 300 डिग्री, तो 300 केल्विन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 72 का अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। कह रहा है गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली बात तो थर्ड बोला है, तो गैडोलिनियम का थोड़ा सा अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। वो तो है जीनोन 4F7 5D1 और 6S2। और ये कह रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। अब सुनो जब आप इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो क्या बचेगा, 4F7 और 5D1, और आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में क्या बचेगा, 4F7 और सिमेट्रिकल बचेगा, तो इसकी एक्साइज एनर्जी ज्यादा निकल के आएगी एंथैल्पी, और ज्यादा निकल के आएगी तो स्टेबल होएगा, तो स्टेबल होएगा तो इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी पर्टिकुलरली। देखो पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ज्यादा ही होगी, दूसरा निकालोगे तो भी ज्यादा होगी, ये निकालोगे तो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। लेकिन वैसे अगर बात करी जाए तो थोड़ी सी औरों के मुकाबले जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। तो मैं ये कह दूंगा कि जो इसका स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होने की वजह से इसकी हाई एक्सचेंज एनर्जी हो जाती है, इसकी वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेसिकली। अपना आंसर क्या हो जाएगा, हाई एक्सेस एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, कुछ हाइड्राइड्स दे रखे, तो देखो इसको मैच करना होता है और मैच अपन आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो देखो मैं क्लियर कर दूं कि MgS2 कैसा होता है आपका आयनिक हाइड्राइड। तो ए में आपका कौन सा आंसर आएगा, फोर, तो ए की ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर थर्ड वाला जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए में ए की फोर है, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। बाकी देखो थोड़ा सा क्लियर कर लो कि B2S6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो सी में आएगा आपका सेकंड आंसर। GeH4 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, और आपका HF क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब डी में आएगा थर्ड। तो ऑप्शन मिल ही रहा है अपना, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है, इसकी रिएक्शन करानी है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, तो क्या बनेगा बोले। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन की फॉर्म में कि जब मैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, जैसे CH3CHO ले लेते हैं मान लो, इसकी रिएक्शन में अगर NH2OH से कराऊंगा तो मैं फाइनली बना देता हूँ, तो ये बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइंस। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं RNH2 से तो ये बनता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं सिप बेस, सिप्स बेस। अगर इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं एल्कोहल के साथ, तो यहां से एसिटेल या हेमेसिटेल, जैसा भी आप अगर कीटोन जैसे जिससे बनाना चाहो, तो CH ये OR और OR, ये बन गया आपका एसिटेल। और अगर मैं एसिन से कराऊंगा तो यहां बनेगा साइनोहाइड्रिन, मतलब CH3CH ये OH और CH, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहां मैच कर लेते हैं, तो मैच करने के लिए साइनोहाइड्रिन किससे बनाएंगे, एससीएन से, तो ए का फोर्थ आंसर है, ए की ऑप्शन है सेकंड, इसमें ए का क्या आ रहा है, फोर्थ आंसर आ रहा है, ए का फोर आ गया ना, बाकी मिला लो यार, बी किसमें आएगा, एल्कोहल में, तो बी का थर्ड बिल्कुल मिल रहा है, सी सिप बेस, तो ये आ गया आपका सी का सेकंड, और ऑक्सीजन कौन आ रहा है, NH2OH, तो ये आ गया फर्स्ट, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। देखो 76 क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को समझो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर, बोले ये होता है, तो ये तो बात गलत है। आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होता है, इनका मोलिकुलर मास की वजह से बात करते हैं, क्योंकि देखो मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वाली चीज गलत है। फिर कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलर मास, तो ये बात भी इसकी गलत है कि मोलर मास से नहीं होता, क्योंकि कुछ इस केसेस में क्या काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 बोल रहा है कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 m सोडियम एसिटेट और 0.01 m एसिटिक एसिड, ये बफर का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, कि पीएच इज इक्वल टू द पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। तो देखो पीके दिया 4.57, तो 4.57 लिख दूंगा मैं, प्लस लॉग सॉल्ट कितना दिया हुआ है आपको 0.01, तो लिख रहा हूँ 0.10 नहीं, और ये दिया हुआ आपका 0.01, यहाँ से क्या आ जाएगा 4.57 प्लस लॉग बेस 10 तो ही है और 10 तो ये हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा अपना 5.57, एक ही ऑप्शन है इसमें थर्ड वाला, वो अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो देखो आप सारी स्ट्रक्चर बना लेना, जो आप जीनोन फ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी, एक्सीएफ2, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें, एक लोन पेयर ये वाला आ गया, एक लोन पेयर ये वाला, एक लोन पेयर ये वाला, तो यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी ज्यादा है, तो आप बाकी स्ट्रक्चर बना लेना, XCF2 की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये निकल के आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसका सेकंड आंसर आ जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग कायरलिटी, तो पहला ऑप्शन है कि एनेंचियम आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, इसकी डेफिनेशन होती है एनेंचियम आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो ये बात ही गलत है, तो आंसर ही अपना क्या जाएगा इसका फर्स्ट, क्योंकि इनकरेक्ट ही कुछ है, बाकी की सारी चीजें इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेसे पिक्चर का जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, क्योंकि डी और एल का मिक्सिंग करेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन जीरो ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
तो यहां देखो आप सारी स्ट्रक्चर बना लेना, मतलब सारा इसमें बना लेना। ओ टू प्लस की मैं बात बोल लेता हूं कि जो आपका ओ टू प्लस है, जो आपका ओ टू प्लस है, तो पहले मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, इसमें ऑक्सीजन की ओ टू की, तो उसका जो अपन वो लिखते हैं तो वो होता है कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो सिग्मा वन एस टू फिर सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू फिर सिग्मा टू पी जेड, दो इलेक्ट्रॉन है। ये अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बराबर होता है। अच्छा इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में जाता है ये पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई, जो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो 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 चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पंद्रह और सोलह, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ओ टू है तो ये कैसा हो गया आपका, पैरा मैग्नेटिक। कैसा हो गया, ओ टू है तो पैरा मैग्नेटिक। अब एक ओ टू प्लस, तो देखो जैसे ही मैंने कहा ओ टू प्लस, क्या कहा ओ टू प्लस, तो ओ टू प्लस में मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन उठा दूंगा यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन तक उठा देता हूँ ये वाला, तो ये मैंने बना दिया ओ टू प्लस, क्या बना दिया ओ टू प्लस। अभी भी ये कैसा है, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि यहां बोला है इनकरेक्ट बताओ, तो ये करा है डायमैग्नेटिक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड ऑर्डर भी ऐसे निकाल लेंगे अपन। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एन बॉन्डिंग माइनस, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, माइनस करके दो का भाग लगा देते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूं, हाफ एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है, तो इन्होंने बोला भी है O2 का आएगा 2, ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या बोल रहा है सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल सिंथेसिस फॉर द क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन की आपको सिंथेसिस करानी है, तो बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दो आप, Cl2 की, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जहां से ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर के Cl पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये इसका एक सिंथेसाइज का सुटेबल मेथड है, बाकी किसी से आप सिंथेसाइज डायरेक्टली नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड इज कि विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि स्पीसीज प्लेनर होनी चाहिए, साइक्लिक कंजुगेटेड स्पीसीज होनी चाहिए, और उसके पास फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन की बात होनी चाहिए। अच्छा एन यहाँ पे इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, से एन की वैल्यू जीरो है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टू पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। एन की वैल्यू वन है तो कितना होना चाहिए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। तो देखो सेकंड ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा वाला नॉट एरोमेटिक, क्योंकि इनमें भी साइक्लिक कंजुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टू पाई इलेक्ट्रॉन है, और साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है, इसमें कितने हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक कंजुगेशन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक, इसके अंदर सिक्स है लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि एंजाइम्स है वो पॉलीसेक्राइड्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं 84 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। तो एरिया अंडर द कर्व वो मैक्सिमम होता है, तो आपको देखो यहाँ दिख भी रहा होगा कि फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, देखो आप ये वाला एरिया है वो ज्यादा है, तो एरिया अंडर द कर्व जिसमें ज्यादा है वो उसका वर्क ज्यादा होगा, तो आंसर क्या जाएगा अपना, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 85 की, कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये OH है फिनोल और यहां पर मैं NO2 जोड़ रहा हूं, तो ये कह रहा है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी फिनोल से, तो ये बात सही है, क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट लगा करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देगा, क्योंकि इससे बनने वाला कंजुगेट बेस है वो स्टेबल होएगा माइनस आर और माइनस आर इफेक्ट से, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सेम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जुड़ा हुआ है, कि अगर मेटा पे जुड़ा हुआ है, पेरा पे जुड़ा हुआ है, कि ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 85 का आंसर होगा अपना फर्स्ट।
देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय द जिंक और एस2 गिव फॉर्मेल्डिहाइड और मेट्रोमिथाइल प्रोपेलेंट। तो इसमें देखो एक ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझाना ही तो है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो कह रहा है 3-methyl-butene। तो ब्यूट का मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और वन पे इन है तो वन पे इन लगा दिया, और थ्री पे क्या है मिथाइल है तो थ्री पे मिथाइल लगा दिया। अब इसको मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका जब अपन ओजोनोलाइसिस कराएंगे, है ना, पहले ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोनाइजेशन और फिर जिंक और एस2, तो यहाँ आप सीधा सीधा फंडा ध्यान में रखो कि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो और जो आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ बन रहा है आपका फॉर्मेलिएट SCHO यहाँ से, तो ये वाला तो, और ये बन रहा है आपका ये वाला प्रोडक्ट, कौन सा वाला, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका CH CH3 और CH, तो ये तो बन गया आपका 2-methyl, ये क्या बन गया आपका 2-methyl, 1, 2 और 3, ये तो बन गया आपका 2-methyl प्रोपेनल और ये बन गया फॉर्मेलिएट, और यही बोला है कि फॉर्मेल्डिहाइड और 2-methylpropanol है, ठीक है, वो किससे बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन की। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3O2 दे रखा है और उसे ओजोन कुछ बना रहे हैं, कैसे दिया हुआ है कंपाउंड का, कैसी फाउंड बोल रहा है, कैसे इतना है, इतना फाउंड हुआ है, O2 की कंसेंट्रेशन इतनी है इक्विलिब्रियम पे, तो ओजोन की कितनी होगी। तो देखो यहां से थोड़ा सा एक फॉर्मूला है छोटा सा, क्या कि केसी बराबर क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कि ओजोन की कंसंट्रेशन का तो स्क्वायर और O2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, बस हो गया काम अपना। केसी दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 3.0 × 10⁻¹⁹। O2 एट इक्विलिब्रियम है, O2 कितना है ओजोन का निकालना है, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, और O2 कितना आपका 0.040³। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे कि जो ओजोन की कंसंट्रेशन निकालेंगे आप यहां से, तो ओजोन की कंसंट्रेशन आपकी जब सोल्व करने के बाद में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 4.38 × 10⁻³² 10⁻³ तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 87 का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए अपना सारा सारा यहाँ पे। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। कह रहा है कि 10 लीटर फ्लास्क है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ऑक्सीजन को क्या मानना है आइडियली, प्रेशर पूछा है इनसाइड का, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है NRT, तो प्रेशर निकालना है तो प्रेशर को तो पी मान लेता हूँ, वॉल्यूम दे रखा आपको 10 लीटर, मोल्स कितना दे रखा 64/32 मोल हो जाएंगे, आर की वैल्यू 0.0831 हो जाएगी, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखा तो 300 केल्विन हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप प्रेशर निकालोगे तो आएगा 4.9 बार, बार में पूछा है, ठीक है, तो इसको गुणा बार कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा 4.9 बार, तो आंसर हो जाएगा अपना 4.9 बार सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 89, मैच करना है ओर्स को उसके कंपोजिशन से, ठीक है, तो देखो कैलामाइन जो होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट, तो ये तो क्लियर हो गया, केओलिनाइट होता है आपका Al वाला, ये एल्यूमिनियम वाला, जो हेमेटाइट होता है वो होता है Fe2O3 वाला, और जो मैग्नेटाइट होता है वो होता है Fe3O4 वाला, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसने मैच कर रहा है, तो देखो ए के अंदर आएगा थर्ड आंसर, तो ए में थर्ड है, बी में कौन सा आ रहा फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट है, सी में आएगा आपका सेकंड, तो सी में सेकंड है, और डी के अंदर आएगा आपका आंसर फोर, तो डी में फोर है, मतलब कौन सा करेक्ट आ गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 90 की, कि द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो CN, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे डालेंगे H2 के साथ, तो CN का बना देता है CH2NH2, क्या बना देता है CH2NH2, जैसे ही मैं यहां पर NaNO2HCl डालूंगा, NaNO2HCl,
तो ये बन जाता है आपका CH2N2Cl, और ये अनस्टेबल होता है, और H2 डालते ही ये चेंज हो जाएगा आपका CH2OH में। तो अपना जो आंसर आएगा यहां पर वो आएगा आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आएगा? सेकंड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में बोल रहा है कि आईयूपीएसी नेम बताओ। तो अपन देखो नंबरिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 पे तो क्या आएगा? ब्रोमो। तो 1 पे तो देखो ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। फिर 5 पे देखो क्लोरो है, और 4 पे क्या है? मिथाइल, और हेक्स एंड थ्रीओल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहां देखो आपको मैं क्लियर करूं कि जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो आपको पता है लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो ईएन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है H2O से। तो जिसके अंदर ज्यादा ईएन हो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, तो सी ज्यादा करेगा। फिर देखो ए में देखो 2 है और इसमें कितना है? 1 है। आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? सी ए एंड बी, मतलब सी सबसे ज्यादा, ए उससे कम, बी उससे कम। देखो 93 क्या कह रहा है, सुनो 93 कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, विच बिकम 0.01 आफ्टर 5 मिनट्स। तो रेट कॉन्स्टेंट बोला है, मिनट इनवर्स में बताना है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है, आपको पता होना चाहिए कि K इज इक्वल टू द 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन है टाइम टी। ऐसे बोल दूं मैं इसको, ठीक है? सब कुछ दिया हुआ है, के का मान निकालना है। तो 2.303 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, और अब कितनी बच गई? 0.001। सोल्व कर लेते हैं तो 2.303 अपॉन 5, ये लोग कितना हो जाएगा? ये देखो इससे कट गया, यहां पर आ जाएगा आपका 10 to the power 2, मतलब 10 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 5 into 2, ठीक है जी। तो जब इसको गुणा भाग करेंगे अपन तो इसका आ जाएगा 2.5, ये कितना आ जाएगा? 2.5। तो इसका भाग लगेंगे तो पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा, आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ, क्या जाएगा? 0.9212 मिनट इनवर्स। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा था, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर भी। अच्छा इसको सुनो, 94 का सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एफ सी यूनिट सेल है, एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी डेंसिटी दे रखी है, कैलकुलेट एटॉमिक मास, ठीक है? तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? जमाना, जेड एम वन एन ए क्यू। सोल्व करेंगे इसको अपन कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 4, क्योंकि एफ सी सी के लिए 4 होती है, ठीक है? डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का बस कुछ कुछ नहीं करना, डेंसिटी में लिखा 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू निकालनी है, एन ए की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 मान लेते हैं। 6.022 × 10 to the power 23, और ए क्यूब कितना दे रखा है आपको? 3.608 × 10⁻¹³ सेंटीमीटर क्यूब, और इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां से जो एम निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 63.01 के आस 08 के आसपास आ रहा है, तो 63.1 यू अपना आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये भी अपना इजी सा था, ये भी हार्ड नहीं था। 95 क्या कह रहे हैं कि बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज इतने हैं, तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम की बतानी है, थर्ड बोहर ऑर्बिट की। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर प्रोपोर्शनल क्या होता है? एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो मैं लिखूं क्या? आर हीलियम अपॉन आर लिथियम इज इक्वल टू द एन हीलियम का स्क्वायर अपॉन एन लिथियम प्लस 2 का स्क्वायर इंटू जेड लिथियम प्लस 2 अपॉन जेड हीलियम प्लस, ये होगा।
तो आर हीलियम की दे रखी है 105.8 पिकोमीटर, और आर लिथियम प्लस टू की आपको निकालनी है। अच्छा, एन हीलियम प्लस का कितना दे रखा है, सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना दे रखा थर्ड, मतलब कितना हो जाएगा 9 इंटू, जेड कितना होता है 3, और ये कितना होता है 2। तो देखो ये भी कट रहा है, 2 है, ये है 3, लाइक कट ही गया सारा। तो आर लिथियम प्लस कितना आ गया अपना, आर लिथियम प्लस 2 आ गया बेटा 105.8 इंटू 3 बाई 2, तो अप्रोक्सीमेट 105 का 1.5 गुना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 158.7 पिकोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 158.7 पिकोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन एंड टू पेंटेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एनायन्स फॉलोइंग बाय द हीटिंग। तो थोड़ा सा मैं ये कह दूं आप लोगों को कि एक तो ये एसीटोन है और एक है आपका टू पेंटेनोन, तो मैं ये बना देता हूं आपका टू पेंटेनोन। दो चीज है, और आपको पता है जब मैं डाइल्यूट एनएच के साथ में रिएक्शन करा करके हीटिंग कराऊंगा तो यहां एल्डोल बनेंगे। तो पूछा है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो इसका देखो सीधा सा फंडा है कि जब आप एसीटोन की रिएक्शन जब आप एसीटोन से कराओगे डाइल्यूट NaOH और हीट लेकर के, तो यहां बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। देखो आपको ध्यान के देना है, इसको देखो अच्छे से, मैं इसको वापस इसमें चेंज कर रहा हूं, तो इसमें चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर इसको तोड़ा, तो यहां तो लगाया ऑक्सीजन, यहां लगाया 2 हाइड्रोजन। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन के पास वाला जो कार्बन है वहां तो हाइड्रोजन लगाना है, और डबल बॉन्ड के आगे वाले को ऑक्सीजन लगा देना है, ऐसे आपको यहां करना है। तो देखो इसको मैं तोड़ूंगा तो यहां तो लगाऊंगा हाइड्रोजन और यहां लगाऊंगा ऑक्सीजन, तो देखो ये तो बन गया एसीटोन और ये बन गया आपका टू पेंटेनोन, तो इसका मतलब ये वाला तो बनेगा। इसमें देखो यहां लगाऊंगा मैं हाइड्रोजन और यहां लगाऊंगा ऑक्सीजन, क्लियर होगी बात। तो मतलब यहां पर भी देखो ये तो बन गया एसीटोन, ये तो एसीटोन बन गया और ये वाला टू पेंटेनोन बन गया, तो ये मतलब ये भी बनेगा। इसमें देखो यहां तो लगाऊंगा मैं हाइड्रोजन और यहां लगाऊंगा ऑक्सीजन, इसका मतलब ये दोनों एसीटोन बन रहा है, तो ये भी ठीक है। इधर देखो यहां तो लगाऊंगा मैं ऑक्सीजन और यहां लगाऊंगा हाइड्रोजन, तो यहां देखो ये 1 2 3 4 5, ये तो 3 पेंटेनोन बन रहा है, तो मतलब ये तो हो गए नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4th है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेक करना है इसको आप। ये कह रहा कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई सेल क्या होता है, इनोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। अच्छा ये जो सेल रिएक्शन दे रखी है आपको, तो निकिल प्लस टू की कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इनोड सेल आपको दे रखा है 10.5 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, निकिल की कंसंट्रेशन दे रखी है ये वाली, तो मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर -3, और ये भी दे रखी है 10 टू द पावर -3, लेकिन ये स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो गया आपका 10.5, कितना हो गया 10.5 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और ये हो गया आपका 10 टू द पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो कुल मिला के अपना हो गया ये 10.5 माइनस 0.0591। अच्छा 0.1 दे ही नहीं रखा तो 1 लेना ही नहीं है भाई साहब, सुन लो 1 दे नहीं रखा तो 1 लेना ही नहीं है फिर, ठीक है यहां तक का ही काम कर लो, 1 लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो 0.059 अपॉन 2 और लॉग ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया अपना 10.5 माइनस, यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसको कैलकुलेट अपन जब करेंगे, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 0.059, तो अप्रोक्सीमेट बात कर ले क्या, तो ये कैलकुलेट करेंगे
कर लेते हैं ना, कैलकुलेट क्या दिक्कत आ रही है। 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाई द 2, ये आ रहा है अपना 0.885। और जब इसको माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करने के बाद में ये वैल्यू जो आ रही है अपनी, आ रही है 10.4115 वोल्ट, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, इस क्वेश्चन में गलती क्या कर दी कि इनोड सेल की जो वैल्यू है वो देनी चाहिए थी 1.05, तब तो अपना फिर भी कोई आंसर आता है इसमें से, ये वाला। ठीक है, तो ये अब देखो वो बोनस करते हैं, या वैसे तो एप्लीके है ही नहीं तो बोनस ही करेंगे, और तो कोई पाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का एक अपना बोनस की बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि अपना बोनस ही जाएगा, नॉट एप्लीकेबल है इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर ये वाला ना। क्योंकि अगर 10.1.05 वोल्ट होता ना, तब तो आंसर इसका फर्स्ट आ रहा था ना, ये हो सकता है कोई मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे। 98 क्या कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद एचसीएल। ये बात तो ठीक है, तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। नहीं, गलत बात है। थर्ड 3 डिग्री अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है इनका, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है जो ल्यूकास टेस्ट के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, और जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, वो इनका ऑर्डर होता है ये 3 डिग्री का ज्यादा, 3 डिग्री की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी कम होती है, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी और कम होती है। तो अगर ल्यूकास टेस्ट की बात करें अपन यहां पर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, ये करा है प्राइमरी इज मोस्ट रिएक्टिव, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका है सही, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो है इसका सही, और सेकंड है इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, फर्स्ट तो है सही, सेकंड इनकरेक्ट। 98 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 98 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 99 क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्केन मीडियम, ये आपका डी ब्लॉक के अंदर ही है, बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्शन दे रखी है कि जब आप KMnO4 की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे, आयोडाइड के साथ कराएंगे, तो ये जब आप कौन सा मीडियम लेंगे, फ्रेंटली एल्केन मीडियम लेंगे, तो ये तो चेंज हो जाएगा MnO2 में, और वो बना लेगा IO3-। तो ये +7 से कहाँ जा रहा है आपका, +4 में जा रहा है। बस बैलेंस वैलेंस करने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को तो थोड़ा समझना था, ठीक है, ये याद रखना होता है बेसिकली जो भी चीजें हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7 2 +4, आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और अब लास्ट क्वेश्चन रह रहा है इसका, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, द पोल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सीधा सीधा स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर इज पोल्यूटेड एयर कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3। एक तो पर्टिकुलेट मैटर, एक एनहांस करना चाहते हो तो आप ओजोन डाल दो या फिर हाइड्रोजन परोक्साइड डाल दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABD, ABD इज द आंसर। तो मेरी तरफ से मैंने ये केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।